नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपको बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूपी स्पेशल युक्ति प्रकाशन द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में जानेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब हम पॉलिटी विषय शासन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। एक दृष्टि में राज्यपाल होता है, राज्यपाल के अंडर में मुख्यमंत्री कार्य करते हैं, मुख्यमंत्री के अंडर में कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के बाद प्रमुख सचिव आते हैं, विशेष सचिव आते हैं, संयुक्त सचिव आते हैं, फिर उप सचिव आते हैं, अनुभाग सचिव आते हैं, अनुभाग अधिकारी आते हैं। तो ये पूरी हायरार्की हो गई कैसे एक शासन काम करता है। तो सबसे छोटा अंग क्या है, अनुभाग अधिकारी है, उसके ऊपर अनुभाग सचिव है, फिर उसके ऊपर उप सचिव है, जो पूरी एक श्रृंखला में हायरार्की में आ जाते हैं उप सचिव, फिर उप सचिव के ऊपर संयुक्त सचिव हैं, फिर विशेष सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, फिर प्रमुख सचिव के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री आते हैं, फिर मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल हैं। स्रोत उत्तर प्रदेश 2013 इन्होंने दिया है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। तो गांधी जी के साथ इन्होंने दांडी मार्च किया था, नायडू जी ने, किसने, श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने। फिर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो इन्हीं के नाम पर ओपन यूनिवर्सिटी बनी है, पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। अब प्रशासनिक इकाइयाँ देख लेते हैं। मंडल हैं 18, जिले हैं 75, न्यायिक जिले हैं 72, जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट 72, तहसील है 313, विकासखंड है 822, आबाद ग्राम है 97,941, लगभग 1,00,000 के आसपास। राज्य को 18 संभागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। संभाग प्रमुख को आयुक्त कहते हैं। आयुक्त के अंतर्गत कई जिलाधिकारी आते हैं। जिले का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी की सहायता के लिए कई अतिरिक्त जिलाधिकारी होते हैं। इसका वर्गीकरण इस प्रकार है। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जिलाधिकारी के अंतर्गत कौन कौन कैसे कैसे काम करता है। तो आयुक्त को कहते हैं कमिश्नर। तो कमिश्नरेट कहाँ पर है? कमिश्नरेट सिस्टम है लखनऊ और कानपुर में सबसे पहले हुआ, फिर वाराणसी आगरा में हुआ, अब शायद गौतम बुद्ध नगर में भी कर रहे हैं। तो आयुक्त कमिश्नर, जिलाधिकारी डीएम, फिर अतिरिक्त अधिकारी एडीएम आते, एडीएम के अंतर्गत तहसील स्तर पर, फिर खंड ब्लॉक स्तर पर और गाँव स्तर पर कौन कौन आता उसको देख लेते हैं। तो तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी आते हैं, उनके नीचे आते हैं तहसीलदार, और उसके नीचे आते हैं नायब तहसीलदार, फिर सबसे नीचे आते हैं कानूनगो सबसे नीचे आते हैं तहसील स्तर पर। खंड ब्लॉक स्तर पर देख लेते हैं जिलाधिकारी और एडीएम, अतिरिक्त जिलाधिकारी के अंतर्गत खंड ब्लॉक स्तर में कौन कौन आता है। खंड विकास अधिकारी बीडीओ आता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर सहायक विकास अधिकारी, ये आते एडीओ, ये सबसे निचले स्तर पर आते हैं। गांव स्तर पर लेखपाल आते हैं। पुलिस व्यवस्था की बात कर लेते हैं। पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, डीजीपी। पुलिस का वर्गीकरण इस प्रकार है, महानिदेशक पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी, फिर महानिरीक्षक डीआईजी, फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी या पुलिस अधीक्षक एसपी, उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी, प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर, फिर सिपाही। शासन व्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश में शासन की संसदीय शासन प्रणाली है, जो तीन भागों में विभाजित है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, राज्याध्यक्ष राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतया राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।
राज्य कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहीं। विधु भूषण मलिक कार्यवाहक 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949 तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे विधु भूषण मलिक। होर मसजी पेरोशो मोदी कौन है? होर मसजी पेरोशो मोदी 3 मई 1949 से 1 जून 1952 तक। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी 2 जून 1952 से 9 जून 1957। वराहगिरी वेंकट गिरी 10 जून 1957 से 30 जून 1960। डॉक्टर बी रामकृष्ण राव डॉक्टर बी रामकृष्ण राव 1 जुलाई 1960 से 15 अप्रैल 1962। विश्वनाथ दास 16 अप्रैल 1962 से 30 अप्रैल 1967। डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी 1 मई 1967 से 30 जून 1972। शशिकांत वर्मा कार्यवाहक 1 जुलाई 1972 से 13 नवंबर 1972। अकबर अली खान 14 नवंबर 1972 से 24 अक्टूबर 1974। डॉक्टर मारी चेन्ना रेड्डी 25 अक्टूबर 1974 से 1 अक्टूबर 1977। गणपत राव देवजी तपासे गणपत राव देवजी तपासे 2 अक्टूबर 1977 से 27 फरवरी 1980। चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह 28 फरवरी 1980 से 31 मार्च 1985। मोहम्मद उस्मान आरिफ 31 मार्च 1985 से 11 फरवरी 1990। बी सत्यनारायण रेड्डी 12 फरवरी 1990 से 25 मई 1993। मोतीलाल बोरा 25 मई 1993 से 3 मई 1996। मोहम्मद शफी कुरैशी कार्यवाहक 3 मई 1996 से 19 जुलाई 1996। रोमेश भंडारी 19 जुलाई 1996 से 17 मार्च 1998। मोहम्मद शफी कुरैशी कार्यवाहक 17 मार्च 1998 से 19 अप्रैल 1998। सूरज भान 20 अप्रैल 1998 से 23 नवंबर 2000। विष्णुकांत शास्त्री 24 नवंबर 2000 से 2 जुलाई 2004। सुदर्शन अग्रवाल कार्यवाहक 3 जुलाई 2004 से 8 जुलाई 2004। टीवी राजेश्वर 8 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009। बीएल जोशी 28 जुलाई 2009 से 15 जुलाई 2014। राम नाइक 15 जुलाई 2014 से 2017 2017 के बाद आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लेते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पहले थे 1 अप्रैल 1947 से 27 दिसंबर 1954। डॉक्टर संपूर्णानंद दूसरे थे 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960। तीसरे चंद्रभान गुप्त थे 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963। चौथी श्रीमती सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967। पाँचवें चंद्रभान गुप्त थे 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल 1967। छठवें चौधरी चरण सिंह थे 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968। फिर राष्ट्रपति शासन लग गया 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। उसके बाद सातवें चंद्रभान गुप्त थे 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970। आठवें चौधरी चरण सिंह थे 17 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970। राष्ट्रपति शासन लगा 2 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970। नौवें त्रिभुवन नारायण सिंह थे 18 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971। दसवें कमलापति त्रिपाठी थे 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973। राष्ट्रपति शासन लग गया 12 जून 1973 को और कब तक चला? 8 नवंबर 1975 तक। ग्यारहवें थे हेमवती नंदन बहुगुणा 8 नवंबर 1973 से 30 नवंबर 1975। राष्ट्रपति शासन लग गया 30 नवंबर 1975 को, चला कब तक? 21 जनवरी 1976 तक। बारहवें नारायण दत्त तिवारी एनडी तिवारी थे 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977। राष्ट्रपति शासन लगा 30 अप्रैल 1977 को, 22 जून 1977 को ख़त्म हुआ।
13वें थे राम नरेश यादव, 23 जून 1977 से 28 फरवरी 1979, बनारसी दास चौदहवें, 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980, राष्ट्रपति शासन लगा 17 फरवरी 1980 को, ख़त्म हुआ 9 जून 1980 को। 15वें थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह 9 जून 1980 को बने और 19 जुलाई 1982 को रिटायर। फिर 16वें कौन थे, श्रीपति मिश्र, 19 जुलाई 1982 से 3 अगस्त 1984। 17वें एनडी तिवारी फिर से, 3 अगस्त 1984 से 23 सितंबर 1985। 18वें वीर बहादुर सिंह, 24 सितंबर 1985 से 24 जून 1988। फिर एनडी तिवारी बने। 19वें तिवारा, 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989। 1989 नहीं तो 5 दिसंबर 1989। 20वें बने मुलायम सिंह यादव, 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991। 21वें कल्याण सिंह, 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992। राष्ट्रपति शासन लगा 6 दिसंबर 1992 को और चला 4 दिसंबर 1993 तक। 22वें मुलायम सिंह यादव, 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995। 23वें कुमारी मायावती, 3 जून 1995 से 17 अक्टूबर 1995। राष्ट्रपति शासन लगा 18 अक्टूबर 1995 को 21 मार्च 1997 तक चला। फिर 24वें सुश्री मायावती बनी, कुमारी मायावती, 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997। 25वें कल्याण सिंह, 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999। 26वें राम प्रकाश गुप्त, 12 नवंबर 1999 से 27 अक्टूबर 2000। 27वें राजनाथ सिंह, 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002। राष्ट्रपति शासन लगा 8 मार्च 2002 को 3 मई 2002 तक चला। फिर 28वें कुमारी मायावती फिर से बन गई, 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक। फिर 29वें मुलायम सिंह यादव, 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक। फिर 30वें बने कुमारी मायावती फिर से बन गई, 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 तक। 31वें अखिलेश यादव बने, 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 को। और योगी आदित्यनाथ 32वें बने, 19 मार्च 2017 को, और उसके बाद 2022 तक रहे, ये 2021 तक रहे। तो 2022 से फिर योगी आदित्यनाथ 33वें बन गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष देख लेते हैं। तो राजर्ष पहले थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, 31 जुलाई 1947 से 10 अगस्त 1950। दूसरे थे नफीसुल हसन कार्यकारी, 11 अगस्त 1950 से 19 मई 1952। तीसरे आत्माराम गोविंद खेर, 20 मई 1952 से 25 मार्च 1962। चौथे मदन मोहन वर्मा, 26 मार्च 1962 से 16 मार्च 1967। पाँचवें जगदीश शरण अग्रवाल, 17 मार्च 1967 से 16 मार्च 1969। छठे आत्माराम गोविंद खेर, 17 मार्च 1969 से 18 मार्च 1974। फिर वासुदेव सिंह सातवें बने, 18 मार्च 1974 से 12 जुलाई 1977। आठवें बनारसी दास, 12 जुलाई 1977 से 6 फरवरी 1979। नौवें जगन्नाथ प्रसाद कार्यकारी, 7 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980। दसवें श्रीपति मिश्र, 18 फरवरी 1980 से 18 जुलाई 1982। 11वें यादवेंद्र सिंह कार्यकारी, 19 जुलाई 1982 से 24 अगस्त 1982। 12वें धर्म सिंह, 25 अगस्त 1982 से 15 मार्च 1985। 13वें नियाज हसन, 15 मार्च 1985 से 8 जनवरी 1990। 14वें हरिकिशन, 9 जनवरी 1990 से 30 जुलाई 1991। 15वें केशरी नाथ त्रिपाठी, 30 जुलाई 1991 से 15 दिसंबर 1993। 16वें धनीराम वर्मा, 15 दिसंबर 1993 से 20 जून 1995। 17वें बी.आर. वर्मा, 20 जून 1995 से 26 मार्च 1997। 18वें केशरी नाथ त्रिपाठी, 27 मार्च 1997 से 14 मई 2002। फिर 19वें केशरी नाथ त्रिपाठी, 14 मई 2002 से 19 मई 2004। 20वें डॉक्टर वकार अहम शाह कार्यकारी, 19 मई 2004 से 26 जुलाई 2004 तक। 21वें माता प्रसाद पांडे, 26 जुलाई 2004 से 18 मई 2007। 22वें सुखदेव राजभर, 18 मई 2007 से 12 अप्रैल 2012। 23वें माता प्रसाद पांडे,
13 अप्रैल 2012 से 30 मार्च 2017 और 24 में हृदय नारायण दीक्षित 30 मार्च 2017 से कार्यरत। अभी बने हैं कौन? सतीश महाना जी अभी बने हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति चंद्रभाल पहले थे, 10 मार्च 1949 से 25 जनवरी 1950, फिर 26 जनवरी 1950 से 5 मई 1958। दूसरे निज़ामुद्दीन कार्यकारी, 6 मई 1958 से 19 जुलाई 1958। तीसरे रघुनाथ विनायक धुलेकर, 20 जुलाई 1958 से 5 मई 1964। फिर चौथे दरबारी लाल शर्मा प्रोटेम, 6 मई 1964 से 4 अगस्त 1964। पांचवें दरबारी लाल शर्मा, 5 अगस्त 1964 से 5 मई 1968, 6 मई 1968 से 1 मार्च 1969। छठे वीरेंद्र स्वरूप कार्यकारी, 2 मार्च 1969 से 14 मार्च 1969। सातवें वीरेंद्र स्वरूप बने पूरी तरीके से, 15 मार्च 1969 से 5 मई 1974। फिर बने आठवें वीरेंद्र स्वरूप कार्यकारी, 6 मई 1974 से 10 जून 1974। फिर बने नौवें वीरेंद्र स्वरूप, 11 जून 1974 से 26 मई 1980। फिर दसवें बने वीरेंद्र स्वरूप कार्यकारी, 26 मई 1980 से 17 जून 1980। फिर ग्यारहवें बने वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल प्रोटेम, 18 जून 1980 से 5 अक्टूबर 1980। फिर बारहवें बने वीरेंद्र बहादुर सिंह, 6 अक्टूबर 1980 से 5 मई 1982। तेरहवें बने शिव प्रसाद गुप्त कार्यकारी, 6 मई 1982 से 2 मार्च 1983। फिर चौदहवें बने वीरेंद्र बहादुर सिंह, 3 मार्च 1983 से 5 मई 1988। पंद्रहवें बने जगदीश चंद्र दीक्षित प्रोटेम, 6 मई 1988 से 5 अप्रैल 1989। पूरी तरीके से बने 16वें नंबर पे जगदीश चंद्र दीक्षित, 6 अप्रैल 1989 से 7 मार्च 1990। 17वें जगदीश चंद्र दीक्षित प्रोटेम, 8 मार्च 1990 से 4 जुलाई 1990। 18वें शिव प्रसाद गुप्त, 5 जुलाई 1990 से 6 जुलाई 1992। 19वें नित्यानंद स्वामी, 7 जुलाई 1992 से 9 मई 1997। 10 मई 1997 से 8 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2000 से 16 नवंबर 2000। तो 19वें, 20वें और 21वें नित्यानंद स्वामी बने और 21वें नंबर पे ये कार्यकारी रहे। फिर 22वें बने ओम प्रकाश शर्मा, 17 नवंबर 2000 से 5 मई 2002 तक। फिर 23वें कुंवर मानवेंद्र सिंह, 6 मई 2002 से 2 अगस्त 2004 तक। 24वें सुखराम यादव, 3 अगस्त 2004 से 15 जनवरी 2010। 25वें कमलकांत गौतम कार्यकारी, 16 जनवरी 2010 से 21 जनवरी 2010। 26वें गणेश शंकर पांडे, 21 जनवरी 2010 से 15 जनवरी 2016 और 27वें रमेश यादव, 11 मार्च 2016 से कार्यरत। चलिए अब सबको रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन कौन रहे? पहले सरोजनी नायडू रहीं, फिर विधु भूषण मलिक रहे, फिर होर मसजी पेरोशो मोदी रहे, चौथे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, पांचवें वाराहगिरी वेंकटगिरी, छठे डॉक्टर बी रामकृष्ण राव, सातवें विश्वनाथ दास, आठवें डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी, नौवें शशिकांत वर्मा कार्यवाहक, दसवें अकबर अली खान, ग्यारहवें डॉक्टर मारी चेन्ना रेड्डी, बारहवें गणपत राव देवजी तपासे, तेरहवें चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह, चौदहवें मोहम्मद उस्मान आरिफ, पंद्रहवें बी सत्यनारायण रेड्डी, सोलहवें मोतीलाल बोरा, सत्रहवें मोहम्मद शफी कुरैशी, अठारहवें रोमेश भंडारी, उन्नीसवें मोहम्मद शफी कुरैशी, बीसवें सूरज भान, इक्कीसवें विष्णुकांत शास्त्री, 22वें सुदर्शन अग्रवाल, 23वें टीवी राजेश्वर, 24वें बीएल जोशी, 25वें राम नाइक और 26वीं जो गुजरात की राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत पहले, दूसरे डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरे चंद्रमान गुप्त, चौथे श्रीमती सुचेता कृपलानी, पांचवी चंद्रभान गुप्त, छठे चौधरी चरण सिंह फिर राष्ट्रपति शासन, सातवें चंद्रभान गुप्त, आठवें चौधरी चरण सिंह फिर राष्ट्रपति शासन, नौवें त्रिभुवन नारायण सिंह, दसवें कमलापति त्रिपाठी फिर राष्ट्रपति शासन, ग्यारहवें हेमवती नंदन बहुगुणा फिर राष्ट्रपति शासन, बारहवें एनडी तिवारी फिर राष्ट्रपति शासन,
उसके बाद 13वें राम नरेश यादव बनारसी दास, 14वें राष्ट्रपति शासन, उसके बाद 15वें वीपी सिंह, 16वें श्रीपति मिश्र, 17वें एनडी तिवारी, 18वें वीर बहादुर सिंह, 19वें एनडी तिवारी, 20वें मुलायम सिंह यादव, 21वें कल्याण सिंह, उसके बाद राष्ट्रपति शासन 22वें मुलायम सिंह यादव, 23वें कुमारी मायावती राष्ट्रपति शासन, उसके बाद फिर मायावती बनी 24वीं, 25वीं कल्याण सिंह, 26वीं राम प्रकाश गुप्त, 27वीं राजनाथ सिंह, उनके बाद राष्ट्रपति शासन 28वीं मायावती, 29वें मुलायम सिंह यादव, 30 मायावती, 31वें अखिलेश यादव, 32 योगी आदित्यनाथ, 33 योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष देख लेते हैं। पहला राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरे नफीसुल हसन, तीसरे आत्माराम गोविंद खेर, चौथा मदन मोहन वर्मा, पांचवा जगदीश शरण अग्रवाल, छठा आत्माराम गोविंद खेर, सातवां वासुदेव सिंह, आठवां बनारसी दास, नौवां जगन्नाथ प्रसाद, दसवां श्रीपति मिश्र, ग्यारहवां यादवेंद्र सिंह, बारहवां धर्म सिंह, तेरहवां नियाज हसन, चौदहवां हरी किशन, पंद्रहवां केसरीनाथ त्रिपाठी, सोलहवां धनीराम वर्मा, सत्रहवां बीआर वर्मा, अठारहवां फिर केसरीनाथ त्रिपाठी, उन्नीसवां फिर केसरीनाथ त्रिपाठी, बीसवां डॉक्टर वकार अहम शाह, 21वां माता प्रसाद पांडे, 22वां सुखदेव राजभर, 23वां माता प्रसाद पांडे, 24वां हृदय नारायण दीक्षित। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति चंद्रबाल पहले, निजामुद्दीन दूसरे, तीसरे रघुनाथ विनायक धुलेकर, चौथे दरबारी लाल शर्मा, पांचवें दरबारी लाल शर्मा, फिर छठे से लेकर के 10वें तक वीरेंद्र स्वरूप बने, तो छठे सातवें आठवें नौवें दसवें वीरेंद्र स्वरूप, फिर 11 से लेकर के 12 तक वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, फिर 12वें वीरेंद्र बहादुर सिंह, 13वें शिवप्रसाद गुप्त, 14वें फिर वीरेंद्र बहादुर सिंह, फिर 15वें और 16वें जगदीश चंद्र दीक्षित और 17वें जगदीश चंद्र दीक्षित, 18वें शिवप्रसाद गुप्त, 19वें 20वें 21वें नित्यानंद स्वामी, 22वें ओम प्रकाश शर्मा, 23वें कुंवर मानवेंद्र सिंह, 24वें सुखराम यादव, 25वें कमलकांत गौतम, 26वें गणेश शंकर पांडे और 27वें रमेश यादव। व्यवस्थापिका देख लेते। उत्तर प्रदेश में दो सदस्यीय व्यवस्थापिका है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा लोकप्रिय सदन कहलाता है, इसमें 403 सदस्य निर्वाचित एवं एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता है, जिसको अब खत्म किया जा चुका है। और विधानसभा का सदस्य बनने हेतु प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, उन सभी योग्यताओं को रखता हो जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हो। राज्यपाल विधानसभा व विधान परिषद में एंग्लो इंडियन समुदाय से एक एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, ये भी खत्म कर दिया गया है। बहुमत प्राप्त दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है, तो विधानसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एक बटे तीन विधानसभा से, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं से, 1/2 सदस्य शिक्षकों से, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा विशेष क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों से मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1937 ईस्वी में किया गया था। न्यायपालिका की बात करें, राज्य में न्याय व्यवस्था के लिए उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधीनता में जिला न्यायालय व अन्य न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा इसकी खंडपीठ लखनऊ में है, तो अभी प्रयागराज में उसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। जिला न्यायालय प्रदेश न्यायिक जिलों में बटा है, जिनमें प्रत्येक का नियंत्रण जिला न्यायाधीश द्वारा होता है। न्यायिक सेवा को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सर्विस और उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज। राजस्व परिषद, राजस्व के मामले
जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्णित होते हैं, डीएम एडीएम द्वारा। आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त अपीलों की सुनवाई करते हैं। राजस्व में सबसे उच्च न्यायालय राजस्व परिषद है। तो अब लोकायुक्त देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री विश्वंभर दयाल, 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982, उसके बाद पद रिक्त था 14 सितंबर 1982 से 9 जनवरी 1983 तक। फिर न्यायमूर्ति श्री मिर्ज़ा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, 10 जनवरी 1983 से 10 जनवरी 1989, पद रिक्त 11 जनवरी 1989 से 27 जनवरी 1989। फिर हैं न्यायमूर्ति श्री कैलाश नाथ गोयल, 28 जनवरी 1989 से 28 जनवरी 1995, उसके बाद पद रिक्त 29 जनवरी 1995 से 8 फरवरी 1995 तक। फिर हैं न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह, 9 फरवरी 1995 से 13 जनवरी 2000, पद रिक्त 14 जनवरी 2000 से 15 मार्च 2000 तक। फिर न्यायमूर्ति श्री सुधीर चंद्र वर्मा, 16 मार्च 2000 से 15 मार्च 2006 तक। उसके बाद न्यायमूर्ति श्री एन के मेहरोत्रा, 16 मार्च 2006 से 30 जनवरी 2016। फिर न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा, 31 जनवरी 2016 से, उसके बाद भी बने हैं जो इसमें नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जनपद वार ग्राम पंचायत तथा विकास खंड की वर्तमान स्थिति। तो जनपद का नाम है, ग्राम पंचायतों की संख्या, न्याय पंचायतों की संख्या और विकास खंडों की संख्या, जिसमें क्षेत्र पंचायत आते हैं। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत है, फिर न्याय पंचायत है, फिर क्षेत्र पंचायत है। मेरठ में 465 ग्राम पंचायत, 93 न्याय पंचायत, 12 क्षेत्र पंचायत। बागपत में 237 न्याय पंचायत ग्राम पंचायत, 237 ग्राम पंचायत, 46 न्याय पंचायत, 6 क्षेत्र पंचायत। गाज़ियाबाद में 404 ग्राम पंचायत, 74 न्याय पंचायत, 8 क्षेत्र पंचायत। गौतम बुद्ध नगर 279 ग्राम पंचायत, 44 न्याय पंचायत, 4 क्षेत्र पंचायत। बुलंदशहर 853 ग्राम पंचायत, 145 न्याय पंचायत, 16 क्षेत्र पंचायत। सहारनपुर 782 ग्राम पंचायत, 112 न्याय पंचायत, 11 क्षेत्र पंचायत। मुजफ्फरनगर 687 ग्राम पंचायत, 112 न्याय पंचायत, 14 क्षेत्र पंचायत। आगरा 637 ग्राम पंचायत, 114 न्याय पंचायत, 15 क्षेत्र पंचायत। अलीगढ़ 853 ग्राम पंचायत, 122 न्याय पंचायत, 12 क्षेत्र पंचायत। एटा 905 ग्राम पंचायत, 149 न्याय पंचायत, 15 क्षेत्र पंचायत। मैनपुरी 503 ग्राम पंचायत, 80 न्याय पंचायत, 9 क्षेत्र पंचायत। मथुरा 479 ग्राम पंचायत, 89 न्याय पंचायत, 10 क्षेत्र पंचायत। फिरोजाबाद 514 ग्राम पंचायत, 79 न्याय पंचायत, 9 क्षेत्र पंचायत। हाथरस ग्राम पंचायत 430 न्याय पंचायत, 64 क्षेत्र पंचायत, 7। बरेली ग्राम पंचायत 1008 न्याय पंचायत, 144 क्षेत्र पंचायत, 15। बदायूं ग्राम पंचायत 1069 न्याय पंचायत, 164 18 क्षेत्र पंचायत। पीलीभीत 599 ग्राम पंचायत, 73 न्याय पंचायत, 7 क्षेत्र पंचायत। शाहजहाँपुर 922 ग्राम पंचायत, 126 न्याय पंचायत, 15 क्षेत्र पंचायत। मुरादाबाद 960 ग्राम पंचायत, 88 न्याय पंचायत, 13 क्षेत्र पंचायत। रामपुर 580 ग्राम पंचायत, 75 न्याय पंचायत, 6 क्षेत्र पंचायत। बिजनौर 959 बिजनौर 959 ग्राम पंचायत, 131 न्याय पंचायत, 11 क्षेत्र पंचायत। अमरोहा 484 ग्राम पंचायत, 55 न्याय पंचायत, 6 क्षेत्र पंचायत। लखनऊ 511 ग्राम पंचायत, 97 न्याय पंचायत, 8 क्षेत्र पंचायत। रायबरेली 965 ग्राम पंचायत, 180 न्याय पंचायत, 21 क्षेत्र पंचायत। हरदोई 1101 ग्राम पंचायत, 191 न्याय पंचायत, 19 क्षेत्र पंचायत। उन्नाव 954 ग्राम पंचायत, 173 न्याय पंचायत, 16 क्षेत्र पंचायत। सीतापुर 1329 ग्राम पंचायत, 219 न्याय पंचायत, 19 क्षेत्र पंचायत। लखीमपुर खीरी 995 ग्राम पंचायत, 156 न्याय पंचायत, 15 क्षेत्र पंचायत। फैज़ाबाद ग्राम पंचायत 729 न्याय पंचायत, 128 19 क्षेत्र पंचायत। सुल्तानपुर
ग्राम पंचायत 1,262, 187 नए पंचायत, 23 क्षेत्र पंचायत। बाराबंकी ग्राम पंचायत 1,002 नए पंचायत, 139 क्षेत्र पंचायत, 17। अंबेडकर नगर 805 ग्राम पंचायत, 108 नए पंचायत और 9 क्षेत्र पंचायत। गोंडा 1,054 ग्राम पंचायत, 166 नए पंचायत, 16 क्षेत्र पंचायत। बलरामपुर 667 ग्राम पंचायत, 101 नए पंचायत, 9 क्षेत्र पंचायत। बहराइच 776 ग्राम पंचायत, 136 नए पंचायत, 15 क्षेत्र पंचायत। श्रावस्ती 416 ग्राम पंचायत, 54 न्याय पंचायत, 5 क्षेत्र पंचायत। प्रयागराज 1,425 ग्राम पंचायत, 208 न्याय पंचायत, 20 क्षेत्र पंचायत। फतेहपुर 789 ग्राम पंचायत, 133 न्याय पंचायत, 13 क्षेत्र पंचायत। प्रतापगढ़ 1,105 ग्राम पंचायत, 171 न्याय पंचायत, 17 क्षेत्र पंचायत। कौशाम्बी 440 ग्राम पंचायत, 96 क्षेत्र पंचायत, न्याय पंचायत 96 न्याय पंचायत, 8 क्षेत्र पंचायत। वाराणसी 702 ग्राम पंचायत, 108 न्याय पंचायत, 8 क्षेत्र पंचायत। गाजीपुर 1,050 ग्राम पंचायत, 193 न्याय पंचायत, 16 क्षेत्र पंचायत। जौनपुर 1,514 ग्राम पंचायत, 218 न्याय पंचायत, 21 क्षेत्र पंचायत। चंदौली ग्राम पंचायत 620, 102 न्याय पंचायत, 9 क्षेत्र पंचायत। मिर्जापुर ग्राम पंचायत 770 न्याय पंचायत, 106 क्षेत्र पंचायत। 12 सोनभद्र ग्राम पंचायत 489 66 न्याय पंचायत, 8 क्षेत्र पंचायत। संत रविदास नगर ग्राम पंचायत 489 79 न्याय पंचायत, 6 क्षेत्र पंचायत। हमीरपुर 330 ग्राम पंचायत, 63 न्याय पंचायत, 7 क्षेत्र पंचायत। बांदा 450 ग्राम पंचायत, 72 न्याय पंचायत, 8 क्षेत्र पंचायत। चित्रकूट 317 ग्राम पंचायत, 46 न्याय पंचायत, 5 क्षेत्र पंचायत। महोबा 231 ग्राम पंचायत, 35 न्याय पंचायत, 4 क्षेत्र पंचायत। गोरखपुर 1,233 ग्राम पंचायत, 191 न्याय पंचायत और 19 क्षेत्र पंचायत। महाराजगंज 777 ग्राम पंचायत, 102 न्याय पंचायत, 12 क्षेत्र पंचायत। देवरिया 1,016 ग्राम पंचायत, 177 न्याय पंचायत और 16 क्षेत्र पंचायत। कुशीनगर 957 ग्राम पंचायत, 140 न्याय पंचायत, 14 क्षेत्र पंचायत। बस्ती 1,049 ग्राम पंचायत, 139 न्याय पंचायत और 14 क्षेत्र पंचायत। सिद्धार्थनगर 1,015 ग्राम पंचायत, 152 न्याय पंचायत, 14 क्षेत्र पंचायत। संत कबीर नगर 648 ग्राम पंचायत, 85 न्याय पंचायत, 9 क्षेत्र पंचायत। आजमगढ़ 1,617 ग्राम पंचायत, 280 न्याय पंचायत, 22 क्षेत्र पंचायत। मऊ 598 ग्राम पंचायत, 92 न्याय पंचायत, 9 क्षेत्र पंचायत। बलिया 833 ग्राम पंचायत, 163 न्याय पंचायत, 17 क्षेत्र पंचायत। कानपुर नगर 557 ग्राम पंचायत, 90 न्याय पंचायत, 10 क्षेत्र पंचायत। कानपुर देहात 612 ग्राम पंचायत, 102 न्याय पंचायत, 10 क्षेत्र पंचायत। फरुखाबाद 512 ग्राम पंचायत, 87 न्याय पंचायत, 7 क्षेत्र पंचायत। कन्नौज 441 ग्राम पंचायत, 81 न्याय पंचायत, 8 क्षेत्र पंचायत। इटावा 420 ग्राम पंचायत, 76 न्याय पंचायत, 8 क्षेत्र पंचायत। औरैया 441 ग्राम पंचायत, इटावा 420 ग्राम पंचायत, 76 न्याय पंचायत, 8 क्षेत्र पंचायत। औरैया 441 ग्राम पंचायत, 74 न्याय पंचायत, 7 क्षेत्र पंचायत। झांसी 437 ग्राम पंचायत, 65 न्याय पंचायत, 8 क्षेत्र पंचायत। ललितपुर 340 ग्राम पंचायत, 48 न्याय पंचायत, 6 क्षेत्र पंचायत। जालौन 564 ग्राम पंचायत, 81 न्याय पंचायत, 9 क्षेत्र पंचायत। फिर 71 से 75 कासगंज, शामली, हापुड़, संभल, अमेठी, इनके डेटा नहीं है। टोटल कितने हैं? ग्राम पंचायत 51,914, न्याय पंचायत है टोटल कितनी 8,135 और क्षेत्र पंचायत टोटल कितनी 822। तो ये डेटा बहुत ज़रूरी नहीं है, इससे हमें ये याद हो जाएगा कितने ज़िले हैं और लगभग लगभग एक ओवरऑल हमें पता चल जाएगा कि 1,000 सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं किसी भी ज़िले में 1,000 के आसपास, और सबसे कम और सबसे ज़्यादा का हमें एक आंकड़ा मिल जाएगा।
तो सबसे कम में आप देख सकते हैं कि कोई भी 200 से नीचे नहीं दिख रही है, 200 से नीचे कोई भी ग्राम पंचायत आपको नहीं मिलेगी। तो कम से कम 200 तो ग्राम पंचायत है ही हर ज़िले में, 200, 400, 231 है महोबा में, तो सबसे कम महोबा में ही 231 दिख रही हैं। तो ग्राम पंचायत का आइडिया लग गया आपको, फिर ऐसे ही नए पंचायत हैं और क्षेत्र पंचायत हैं। तो ये 100 के आंकड़े के आसपास चले, 100 200 मैक्सिमम है, 200 ही मैक्सिमम लग रहा है इसमें। हाँ, तो 200 के आसपास ही हैं नए पंचायत, और 100 50 से 100 के बीच में हैं ज़्यादातर, और वन डिजिट में है आपके विकास खंड की संख्या क्षेत्र पंचायतों की। तो वन डिजिट टू डिजिट ज़्यादातर 21 23 5 7 से शुरू होकर के 21 23 19 20 ऐसे ही चल रही है, तो 822 हैं टोटल। कासगंज, शामली, हापुड़ और संभल जिलों के संपूर्ण आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। लोकायुक्त देख लेते हैं, लोकायुक्त में कितना है। चलिए लोकायुक्त को ख़त्म कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त संस्था, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत 14 सितंबर 1977 को यह व्यवस्था लागू की गई। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पद पर मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र को 16 मार्च 2004 को नियुक्त किया गया। लोक अदालतें, इन अदालतों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इनमें अन्य न्यायालयों की भांति वाद कार्यों को धन का व्यय नहीं करना पड़ता है। वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त जनपदों में तीन तीन स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है। स्थानीय स्वायत्त शासन, जनसंख्या के आधार पर शहरी और ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं का वर्गीकरण जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर महापालिका के रूप में किया गया है। उत्तर प्रदेश में सन 1954 में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ हुआ। यह गांव, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर होती है। इसकी अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा वोट डालकर किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत द्वितीय स्तर पर होती है। इसका मुखिया प्रमुख होता है, इसका मुखिया प्रमुख होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला पंचायत, जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के शीर्ष पर होती है। इसके अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के लिए चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य में गांवों का प्रबंधन करने के लिए जिला पंचायत की स्थापना की गई है। नगर पालिका और नगर महापालिका, उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की स्थापना सन 1916 ईस्वी में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 तथा संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत की गई। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम 1994 पारित किया गया। जिस प्रकार गांवों का प्रबंधन जिला परिषद करती है, उसी प्रकार शहरों का प्रबंधन नगर पालिका करती है। नगर निगम की बात करें, जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है, उन नगरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। इसका मुख्य मेयर होता है, जिसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर निगम में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। नगर निकायों की संख्या, नगर निगम है 13, नगर पालिका है 194, नगर पंचायत है 423। नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका का गठन 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाले नगरों में होता है या किया जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर पंचायत, नगर पंचायत का प्रधान इसका अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें निर्वाचित सदस्य 10 से कम और 25 से अधिक नहीं हो सकते। नगर पंचायत का गठन 15,000 से 1 लाख आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। नगरीय निकायों के अधिकारियों का नामकरण, पूर्व पद का नाम, नया पद का नाम। पहले पूर्व पद का नाम था नगर प्रमुख, नया पद है महापौर। पूर्व पद का नाम उप नगर प्रमुख, नया पद है उप महापौर। पुराना नाम सभासद, नया नाम पार्षद। पुराना नाम मुख्य नगर अधिकारी, नया नाम नगर आयुक्त।
पुराना नाम अपर मुख्य नगर अधिकारी, नया नाम अपर नगर आयुक्त, पुराना नाम उपनगर अधिकारी, पुराना नाम ऊपर मुख्य नगर अधिकारी था तो नगर आयुक्त था, अपर मुख्य नगर अधिकारी था तो अपर नगर आयुक्त बना, अब उप नगर अधिकारी तो उप नगर आयुक्त, फिर पुराना नाम सहायक नगर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश समसामयिक घटनाएं, तो समसामयिकी की बात कर लेते हैं। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के निकट गौतम बुद्ध नगर में विकसित किया जा रहा है। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, यूपी टूरिज्म की टैगलाइन है। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक निर्मित प्राथमिक सेक्शन पर लखनऊ मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन 5 सितंबर 2017 को किया गया। संस्कृत भाषा के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान विश्व भारती पुरस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गौतम बुद्ध नगर में बॉटेनिकल गार्डन से मेजेंटा मेट्रो लाइन का 25 दिसंबर 2017 को लोकार्पण किया गया। तो पीएम मोदी ने नोएडा से बॉटेनिकल गार्डन से मेजेंटा मेट्रो लाइन को 25 दिसंबर 2017 को लोकार्पित किया। अक्टूबर 2018 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जनपद इटावा को देश का पहला जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया। किसको मिला? इटावा को, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2018 में। पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वाधिक जनभागीदारी के लिए उत्तर प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTDC की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTDC की स्थापना 1974 में हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तरीय गंगा हरितिमा अभियान 2018 का शुभारंभ 7 अप्रैल 2018 को प्रयागराज से किया। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी का निर्माण फैजाबाद में किया गया है। प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को प्रदेश में पहली बार मनाया गया। 12 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा के गोवर्धन, राधाकुंड, नंदगांव, गोकुल तथा बलदेव को पवित्र स्थल घोषित किया गया। रोटा वायरस से पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु वैक्सीन का शुभारंभ करने वाला देश का 11वां राज्य उत्तर प्रदेश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीव्र इंसेफलाइटिस सिंड्रोम का मुख्य कारण स्क्रब टाइफास नामक बीमारी का कारण ओरेंटा शुशुगामुशी नामक जीवाणु है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पुनर्नामकरण अटल पथ करने की घोषणा 20 अगस्त 2018 को की गई। 30 सितंबर 2018 को राज्य का पहला मंडल जो खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया गया, सहारनपुर मंडल है। 30 सितंबर 2018 तक उत्तर प्रदेश खुले में शौच से मुक्त ODF 99% फ्री हो चुका है। तो ODF फ्री मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। डायल एफआईआर स्कीम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया जाएगा। देश में पंजाब के बाद स्थानीयकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस तैयार करने वाला दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। 1 अगस्त 2018 को सोलर ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ लखनऊ जिले के बेटी गांव से किया गया। तो 1 अगस्त 2018 को सोलर ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ लखनऊ जिले के बेटी गांव से किया गया। मई 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम चौकीदार का परिवर्तित पदनाम ग्राम प्रहरी है। तो क्या नाम है? परिवर्तित ग्राम चौकीदार का ग्राम प्रहरी। तालाबों के पुनर्विकास एवं प्रबंधन हेतु वर्ष 2018 से 2019 संचालित वर्षा जल संचयन एवं भू जल संवर्धन योजना नई योजना है। फिर से देख लेते हैं इसे। तालाबों के पुनर्विकास एवं प्रबंधन हेतु वर्ष 2018-19 से संचालित वर्षा जल संचयन एवं भू जल संवर्धन योजना नई योजना है। मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। सामान्य सुविधा केंद्र
CWC CVC भी कह सकते हैं इसे, प्रोत्साहन योजना एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत प्रारंभ की गई। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनावत है। तो सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत प्रारंभ की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया। उत्तर प्रदेश में किसानों के फसली कर्ज 36,000 करोड़ माफ़ कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की देखरेख हेतु माँ समिति गठित की गई। उत्तर प्रदेश में 17वीं विधानसभा में 38 महिला सदस्य चुनी गई। 17वीं विधानसभा में 38 महिला सदस्य चुनी गई। 17 जून 2017 से उत्तर प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत 11 जुलाई 2016 को हुई थी। जुलाई 2017 में सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा का पुरस्कार जया बच्चन को दिया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित हैं। फरवरी 2016 में देश का पहला डाकघर एटीएम वाराणसी में खुला है। लखनऊ में मेट्रो रेल का परिचालन 5 सितंबर 2017 से प्रारंभ हुआ। पहले चरण के अंतर्गत परिचालन ट्रांसपोर्ट नगर चारबाग रेलवे स्टेशन के बीच शुरू किया गया है। 10 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश का गांव नगला अकोली एटा देश का पहला शौच मुक्त गांव बना। मनोज कुमार 18 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। ओम प्रकाश सिंह 23 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं। ई विलेज योजना कौशाम्बी जनपद में प्रारंभ की गई है। मुक्त आकाश नीति का संबंध पर्यटन से है। कृषि रत्न पुरस्कार के तहत 1,00,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 है। कुंभ 2019 की टैगलाइन चलो कुंभ चलो है। तो कुंभ 2019 की टैगलाइन क्या थी? चलो कुंभ चलो है। कुंभ की महत्ता के दृष्टिगत यूनेस्को संस्था ने अमूर्त संस्कृति धरोहर इंटेंजिबल हेरिटेज साइट के रूप में कुंभ को महत्ता दी है, दर्जा प्रदान किया है। इटावा के सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज का नया नाम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो दल का नाम परिवर्तित कर नारी सुरक्षा बल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में संकल्प बस सेवा शुभारंभ 11 अक्टूबर 2017 से की गई है। राज्य का प्रथम पर्यटन दिवस 14 फरवरी 2016 को मनाया गया। ट्विटर अकाउंट वाली विश्व की पहली ऐतिहासिक इमारत ताजमहल है। देश का प्रथम वाईफाई स्मारक होने का गौरव ताजमहल को प्राप्त है। वाराणसी देश का पहला धार्मिक पर्यटन स्थल है जहां वाईफाई सेवा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन नवंबर 2017 को किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर का शिलान्यास वृंदावन में किया गया है। 15 सितंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के ईश्वरीपुर गाँव कानपुर से स्वच्छ स्वास्थ्यवर्धक व नए भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारम्भ किया। नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा सफाई हेतु नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में देश के 6 लेन वाले सबसे लंबे एलिवेटेड रोड का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन 30 मार्च 2018 को किया गया। स्मार्ट सिटी सूची चरण 3 में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के झांसी इलाहाबाद यानी प्रयागराज तथा अलीगढ़ शहर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2018 में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए राज्य में निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु उनके परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए आर्थिक मदद योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक विवाह में 35,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत इलाहाबाद में कछुआ शरण स्थली को विकसित करने की मंजूरी दी गई। दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रकाश है योजना निःशुल्क बिजली कनेक्शन हेतु का मथुरा से शुभारम्भ किया गया। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिर योजना का शुभारंभ 24 जून 2017 को किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला कानपुर में रखी गई। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र दादरा कलां विजयपुर मिर्जापुर जिला में है।
दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को 11 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों के समाधान हेतु समाधान को प्रस्तुत करने के लिए www.yuvasangram.in वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश ने जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में मुगलसराय जंक्शन रेलवे, जहां 11 फरवरी 1968 को वह संदेहात्मक परिस्थितियों में मृत पाए गए थे, का नाम बदलकर उनके नाम पर अगस्त 2018 में रखा। क्या नाम रख दिया मुगलसराय जंक्शन का? पंडित दीनदयाल जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। वर्ष 2019 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में अर्धकुंभ मेले का आयोजन जनवरी से मार्च में होगा। जुलाई 2018 में यश भारती सम्मान के तहत देय मासिक पेंशन की राशि 50,000 रुपये से घटाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई। तो यश भारती सम्मान के तहत देय मासिक पेंशन की राशि 50,000 से घटाकर कितनी 25,000 कर दी गई। उत्तर प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन अगस्त 2018 में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जून 2018 में अन्य पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन का पता लगाने हेतु समिति का गठन किया है। जुलाई 2018 में सैमसंग ने नोएडा उत्तर प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का आरंभ किया है। तो विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री नोएडा में उत्तर प्रदेश में सैमसंग की है जुलाई 2018 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर 2018 को प्रयागराज नाम रख दिया, किसका बदलकर? इलाहाबाद का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई 2018 से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। वाराणसी में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है, तो रुद्राक्ष नाम होगा कन्वेंशन सेंटर की, जापान की सहायता से। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ घरों को मार्च 2019 तक विद्युत संयोजन दिए जाने का लक्ष्य है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास की पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 22 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वर्ष 2017 का उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान साहित्यकार डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को दिया गया है। गंगा नदी पर देश की पहली मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया। नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ISO प्रमाण पत्र पाने वाला इटावा देश का पहला जिला है। धन्यवाद।